वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल EGMI फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेट अस सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज हम उसको बोलते हैं जिसपे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारे पास एक चार्ज है क्यू वन। ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा? आप अज्यूम करो कि सपोज ये आपका टारगेट है और यहां आप गन लेके खड़े हैं, तो इसको शूट कैसे करोगे? इन दिस डायरेक्शन, मींस आप फोर्स लगाएंगे इन दिस वे। जिस पे फोर्स लगा उसको आगे लिखना है, और जो लगाएगा फोर्स उसको कहां लिखना है? पीछे। मींस इस पे फोर्स लगाया क्यू नोट, तो नोट यहां लगाना है, और किसने फोर्स लगाया? क्यू वन ने लगाया, तो पीछे कौन लगाना है? वन। इन दिस वे, अभी मान लीजिए आप यहां हैं और आपका ये टारगेट है, तो आपके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इन दिस वे, दिस फोर्स विल बी एफ नॉट टू। अभी आप अपने आप को यहां अज्यूम कीजिए, ये आपका टारगेट है, तो आप फोर्स कैसे लगाएंगे? इन दिस डायरेक्शन। अभी इस पे नेट फोर्स कितना लगा, इसको हम कैलकुलेट कैसे करें? आप ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि ये एक बच्चा था और इसको तीन स्टूडेंट रिपीट दिया, इसने इसको मारा एक चाटा, इसने मारे दो चाटे, इसने मारे तीन चाटे, तो इसको कितने चाटे लगे? कितने लगे? सिक्स लगे ना। क्या किया हमने? सबका सम किया। यहां भी हमने सम करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने क्या करना है? वेक्टर सम करना है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? दिस नेट फोर्स को हमने अज्यूम किया एफ नॉट, दैट विल बी इक्वल टू एफ नॉट वन प्लस एफ नॉट टू प्लस एफ नॉट थ्री। इन दिस वे हमारे पास जितने भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे उन सभी का हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। तो यहां से हम बनाएंगे डेफिनेशन। F क्या है? दिस इज टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, और ये इक्वल है किसके इक्वल है? दिस इज व्हाट? फोर्स बाय क्यू वन। दिस इज व्हाट? फोर्स बाई क्यू टू। नेक्स्ट क्या है? फोर्स बाई क्यू थ्री। तो इन सब का हमने क्या कर लेना है? वेक्टर सम कर लेना है। हमने क्या कर लेना है? वेक्टर सम। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे यहां से हम? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स, टोटल या फिर नेट फोर्स, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन टेस्ट चार्ज ऑन ए गिवन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू, क्या किया है हमने? सम ऑफ फोर्स किया है, लेकिन वेक्टर सम ऑफ फोर्स किया है, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एग्जर्ट ऑन टेस्ट चार्ज। ये फोर्स कहां लगा है? टेस्ट चार्ज पे लगा है, और लगाया किसने है? बाकी चार्ज ने लगाया है, बाय अदर चार्जेस। इसी को हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? अभी लास्ट में लिखा भी है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वन प्लस एफ नॉट टू। इन दिस वे जितने भी फोर्स हैं उन सब का हमने वेक्टर सम कर लेना है। ओके,
लेट अस सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट और इसका पोजिशन वेक्टर कितना है आर नॉट. दिस इज फर्स्ट चार्ज क्यू वन और इसका पोजिशन वेक्टर कितना है आर वन. दिस इज सम अदर चार्ज क्यू टू, इसका पोजिशन वेक्टर क्या है आर टू. और ये मैंने हमने एन चार्ज कंसिडर किया और इसका पोजिशन वेक्टर मैंने यहां लिखा है आर एन. तो अभी इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये कितना फोर्स लगाएगा, इसको हम लिखेंगे एफ नोट वन. एफ नोट वन क्या है, एफ नोट वन क्या है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट बाय क्यू वन. ये कहां लगाएगा, जैसे आपको लास्ट में बताया था, अब टारगेट देख सकते हैं इधर आपका टारगेट है. तो अगर आप यहां होते तो आपका टारगेट कैसे होता, लाइक दिस. तो ये फोर्स कितना हो गया एफ नोट टू. तो एफ नोट टू हम क्या लिख रहे हैं, यस फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट बाय क्यू टू. अभी ये वाला चार्ज किधर लगाएगा फोर्स टेस्ट चार्ज पे, लाइक दिस. Like this, this will be F not N. Then F not N क्या होगा, force on charge Q not by Q by. Okay. अभी इन forces की हम value calculate करते हैं, क्या value आएगी. अभी F not one calculate करते हैं, F नोट वन कितना होगा. तो कूलम्स लॉ हमें याद होगा कि कूलम्स लॉ क्या था, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. और वेक्टर फॉर्म लेना है तो हम यहां वेक्टर लगाएंगे और यहां क्या लगाएंगे, R का यूनिट वेक्टर लगाएंगे. मींस फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. F नोट वन में किन दो चार्जेस का रोल है, F नोट वन में ये फर्स्ट चार्ज और ये क्या बनेगा सेकंड चार्ज. तो क्या बनेगा, एफ नॉट वन इज इक्वल टू के क्यू वन मीन्स फर्स्ट चार्ज. तो ये हो गया फर्स्ट चार्ज और ये क्या हो गया सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. अब यहां हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां से यहां ये डिस्टेंस क्या होगा, ट्राइंगल ला, ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं. ये डिस्टेंस, ये वाला पोजिशन वेक्टर कितना है आर वन, ये कितना है आर नॉट. तो यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास आर वन नॉट, कितना हो गया है ये R वन नॉट. तो यहां हम क्या कर देंगे R वन नॉट का स्केयर और यहां हम क्या यूज करेंगे R वन नॉट का यूनिट वेक्टर. सिमिलरली F नॉट टू क्या होगा हमारे पास, अब F नॉट टू में फिर से इन दो चार्जेस का रोल है. मींस ये हो गया फर्स्ट चार्ज और ये क्या बन गया है सेकंड चार्ज. तो वैल्यू बनेगा के क्यू नॉट क्यू टू डिवाइडेड बाई, सिमिलर वे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहां पे वन नॉट आया था तो यहां आएगा R2 नोट का स्केयर और यहां क्या बन जाएगा R2 नोट का यूनिट वेक्टर. इन दिस वे सिमिलरली जस्ट मिनट, सिमिलरली F नोट N इसका वैल्यू क्या होगा. तो यहां भी दो चार्जेस का रोल है, फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकेंड चार्ज. एफ नोट वन इक्वल टू के डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं इसको हम आर एन नोट का स्केयर एंड दिस विल बी आर एन नोट का यहां पे क्या आएगा यूनिट वेक्टर आएगा. अब इन सभी वैल्यूज को हम कहां पुट करने वाले हैं, यहां पुट करने वाले हैं इन सभी वैल्यूज को. तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका मूव ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा. F हमारे पास किसके इक्वल था, F नोट वन प्लस F नोट टू प्लस F नोट थ्री इन दिस वे. तो फर्स्ट वैल्यू ये हमारे पास है, तो आप देख रहे हैं सभी में K क्यू नोट कॉमन आ रहा है. तो K क्यू नोट हमारे पास क्या हो गया कॉमन, और फर्स्ट टर्म में क्या आएगा फिर
फर्स्ट आप यहां देख सकते हैं, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये आपको फॉर्मूला बता रहा था मैं कि Q1 Q2, तो बाय चांस से Q2 लिख दिया, यहां पे फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज, तो क्या बनेगा Q1 बनेगा K Q नोट। तो फर्स्ट में क्या आएगा हमारे पास Q1, एंड दिस इज R1 नोट का स्केयर, एंड दिस विल बी R1 नोट यूनिट वेक्टर। सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, ये टर्म कॉमन हो गया है, तो यहां क्या आएगा Q2 डिवाइडेड बाय R2 नोट का स्केयर, और यहां आएगा R2 नोट का यूनिट वेक्टर। एंड इन दिस वे जो लास्ट टर्म है हमारा nth टर्म है, वहां क्या बनेगा Qn R n नोट का स्केयर, और यहां क्या आएगा R n नोट का यूनिट वेक्टर इन दिस वे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। रिजल्ट को अगर हम बॉक्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इसको हम समीशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू वट के क्यू नोट, और यहां से हम देख रहे हैं कि ये टर्म कहां तक जा रही है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव कहां तक मूव कर रही है, ये एन तक मूव कर रही है। तो यहां हमने लगाया समीशन, और यहां हमने लिखा क्यू आई, और आई का वैल्यू शुरू कहां से हो रहा है वन से, और कहां तक मूव कर रहा है एन, तो आई इज इक्वल टू वन टू एन। सेम थिंग इज हेयर, यहां देख सकते हैं आप R1 नोट का स्केयर, फिर आ रहा है टू नोट का स्केयर, फिर थ्री नोट फोर नोट फाइव नोट, इन दिस टर्म कहां तक जा रही है N नोट, तो यहां हम लिख सकते हैं R I नोट का स्केयर। सेम थिंग इज हेयर, R1 नोट का कैप आ रहा है, फिर टू नोट थ्री नोट फोर नोट, सिर्फ ये वाली टर्म चेंज हो रही है, तो यहां हम लिख देंगे R I नोट कैप इन दिस वे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप एक साथ कंप्लीट को स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस टॉपिक पे हम। लेट अस सपोज ये आपको एक स्केयर दे रखा है, और इसका ईच साइड लेट अस सपोज ए है, और यहां चार्ज है प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और इसका जो सेंटर है स्केयर का जो सेंटर है ये स्केयर है जिसका ईच साइड कितना है ए है, और यहां सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव क्यू। व्हाट विल बी नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू, इस पे कितना नेट फोर्स होगा। तो हमने कुछ पॉइंट अज्यूम किए यहां, लेट अस सपोज ए बी सी डी, और इसको हमने इमेजिन किया ओ, तो नेट फोर्स कितना होगा, ए कितना फोर्स लगाएगा, ए कितना फोर्स लगाएगा ओ पे, और किधर लगाएगा, तो आप यहां है ये आपका टारगेट है, तो सपोज आपके पास क्या है गन है, तो कैसे मूव करेंगे आप, आपकी जो बुलेट है लाइक दिस ऐसे मूव करेंगे, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है F नोट A, मींस F नोट A क्या है, इस पे फोर्स लगा है और इसने लगाया है, डायरेक्शन आपके सामने आ रहा है इन दिस वे। ये किधर लगाएगा फोर्स, लाइक दिस, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा ये इन दिस वे। दिस फोर्स विल बी एफ ओ सी, फोर्स ऑन ओ बाय सी, इस डायरेक्शन में लगाएगा। अभी बी कहां लगाएगा फोर्स, तो बी लगाएगा इस तरीके से, इसको हम लिखेंगे एफ ओ बी, फोर्स ऑन ओ बाय बी इन दिस वे। और डी कहां लगाएगा, तो डी लगाएगा इस तरीके से फोर्स, दिस विल बी एफ ओ डी। अभी हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंसेस होंगे यहां से यहां, ये डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सबके सब बराबर आएंगे, इनको मैंने आर अज्यूम कर लिया है, जो वैल्यूज क्या आएंगी एफ नोट ए क्या आएगा के क्यू वन क्यू टू, तो ये सपोज क्यू वन हो गया ये हो गया क्यू टू, के टू क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर, लेकिन ये फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा अलोंग ओ सी,
अलोंग ओसी, ये वाला फोर्स। ये फोर्स किधर होगा? एफ ओ सी किधर होगा? वैल्यू क्या गया इसका? के, दिस विल बी क्यू वन क्यू टू बाई आर स्केयर। ये फोर्स किधर होगा? अलोंग ओ ए, अलोंग ओ ए। ये वाला फोर्स एफ ओ बी कितना होगा? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्केयर, और ये होगा अलोंग ओडी। एंड लास्ट वन एफ ओ डी, ओ पे फोर्स लग रहा है, डी लगा रहा है। ये फोर्स कितना होगा? के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्केयर, और ये फोर्स किधर होगा? अलोंग ओबी। अभी हम यहां देख रहे हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इक्वल हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। सेम थिंग इज हेयर, दीज टू फोर्सेस इक्वल हैं एंड क्या है ये? अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या आएगा इस पे? हम वो लिख लेंगे F इज इक्वल टू एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी। लेकिन हम यहां से क्या देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है एफ ओ ए एंड एफ ओ सी इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन लेंगे तो कैसा हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट, तो यहां पे नेगेटिव यूज करेंगे। ओके और अगर हम इसको सिंप्लीफाई, इसको इधर लेके आए तो क्या बनेगा हमारे पास? एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? जीरो। सेम थिंग इज हियर, अगर हम इनकी बात करें, इन दो फोर्स की बात करें, एफ ओ बी इक्वल एंड अपोजिट है किसके? एफ ओ डी के। इसको इधर लेके आए तो फिर से क्या बन रहा है? एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। अभी ये वैल्यू ये अप्लाई कर दें कि इनका सम जीरो बन रहा है, इनका सम जीरो बन रहा है, तो नेट फोर्स क्या आ गया है? जीरो। ये नेट फोर्स जीरो आ गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट अस सपोज दिस इज ए चार्ज ऑफ प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड दिस इज आल्सो प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड दिस इज ए चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम, और ये जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज ये 4 मीटर है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस ओ टू बी ये भी 3 मीटर है। हमने नेट फोर्स फाइंड करना है किस पे? 3 माइक्रोकूलम पे। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पे नेट फोर्स कितना होगा? ये 90 एंगल है तो अभी ये कितना फोर्स लगाएगा? इसको मैं सी पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, तो सी पे एक इधर फोर्स लगाएगा इन दिस वे, इसको लिखा मैंने एफ सी ए, फोर्स ऑन सी बाय ए। तो एफ सी ए कितना बनेगा? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्केयर। तो ये हमारे पास हो गया के, के का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 9। अभी ये क्यू वन है और ये हो गया क्यू टू, तो क्यू वन हमारे पास कितना है? 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो को हमने कन्वर्ट किया है तो माइक्रो को रिप्लेस किससे करेंगे हम? 10 रेस्ट पावर माइनस 6 से। के क्यू वन एंड दिस इज क्यू टू, दिस विल बी 3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाई आर स्केयर।
अब ये 3 है और ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, तो यहां हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर मींस आर स्क्वायर, और ये फोर्स आ गया न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, तो आप देख रहे हैं अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली एफ बी सी कितना होगा, एफ सी बी, फोर्स ऑन सी बाय बी, तो ये फोर्स इस तरीके से होगा, दिस विल बी एफ सी बी। ओके, वैल्यूज यहां भी सेम आएंगी, तो ये भी सेम आएगा 9 × 10⁻¹, दिस विल बी Q1, दिस विल बी Q2 एंड डिवाइडेड बाय स्केयर ऑफ डिस्टेंस न्यूटन। डायरेक्शन आप यहां पे देख रहे हैं कि फर्स्ट फोर्स का डायरेक्शन ये है, सेकंड ये है। अभी ये ना तो अपोजिट आए हैं ना ये सेम डायरेक्शन में आए हैं, तो क्या करें हम, या तो हम यहां पे लगा सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, या हम यूज कर सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, रिजोल्यूशन कर रहे हैं, यहां से इसको हमने ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अभी हम इनको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं। इस फोर्स को मैं F1 लिख लेता हूं, और इसको मैं लिख लेता हूं F2। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा हमारे पास, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसके साथ थीटा होता है वो टर्म आएगी कोस में, और दूसरी किस में आएगी, साइन में। तो ये वाला फोर्स यहां बना रहा है थीटा एंगल, ये कंपोनेंट हो गया F1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया, F1 sin थीटा। सेम थिंग इज हियर, ये कंपोनेंट F2 है, F2 थीटा यहां बना रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, F2 cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, F2 sin थीटा। हमने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये कोई वेक्टर है मान लीजिए R वेक्टर है, और थीटा बना रहा है यहां इस एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाता है, R cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बन जाता है, R sin थीटा। इसको हमने स्टडी किया है 11th क्लास में, स्टडी किया होगा आपने भी वेक्टर क्लास, वेक्टर चैप्टर में। तो अभी से हम देख रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है, अब यहां से हम देख रहे हैं कि जितना ये वाला फोर्स है, इस फोर्स को मैंने वहां रिप्रेजेंट कर लिया है, किससे, इसको मैंने F1 से रिप्रेजेंट कर लिया है, यहां लिख लेते हैं F1, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किससे कर लिया है, F2 से रिप्रेजेंट कर लिया। यहां से हम क्या देख रहे हैं कि F1 और F2 इक्वल है, डायरेक्शन सेम नहीं इनका, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इनका सेम है। यहां हमने रिजोल्व किया, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं F1 sin थीटा एंड F2 sin थीटा इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो इनका इफेक्ट क्या हो गया है, कैंसिल। और ये वाले जो कंपोनेंट है F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा, इनका डायरेक्शन सेम आ रहा है, इनको हम ऐड कर देंगे, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इसको मैंने F अज्यूम किया, तो किसके इक्वल होगा, दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। लेकिन यहां से हम देख रहे हैं कि F1 और F2 दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहां मैं ये हो गया F1 cos थीटा, और यहां भी क्या आ गया, F1 cos थीटा, वैल्यू बराबर है इसलिए, तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ F1 cos थीटा। देयरफॉर F क्या बनेगा हमारे पास, 2 F1, आप ये लिख सकते हैं, F2 यूज कर सकते हैं, 9 × 10⁻¹, 2 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶, एंड डिवाइडेड बाई ये 5 का स्केयर हो गया। और अभी साथ में क्या लगाना है, cos थीटा, तो cos यहां से फाइंड कर लेंगे हम। अब cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां थीटा है, तो इसके हिसाब से ये टर्म कौन हो गया, बेस, और ये टर्म कौन हो गया, हाइपोटेनियस, तो यहां वैल्यू कितना आ गया है, 4/5, और ये आंसर आ गया न्यूटन। तो F इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगा हमारे पास 3.456 × 10⁻³¹ न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का, तो ये पॉइंट हमने अज्यूम किया है C, इसको मैं X अज्यूम कर लेता हूं, तो डायरेक्शन कहां होगा इसका, अलोंग CX,
डायरेक्शन क्या गया इसका अलोंग सी एक्स, और भी इसमें न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और आई थिंक अभी आप लोग इसको सोल्व भी कर पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक्स। आपको वीडियो अच्छे लगे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।